Hello dear students, this is another video of the subject change in profit sharing ratio among existing partners. बेटा अभी हम revaluation of assets और liabilities वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अभी करवाने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:2। तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:6, 3:6, 2:6 दे रखी है। फॉलोइंग वाज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दे रखी है। ये क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा बैलेंस शीट जो है थोड़ी बड़ी दे रखी है, देखते हैं। लाइबिलिटी साइड पहले क्रेडिटर्स 2,80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 45,000, कैपिटल दे रखे पी की 2 लाख है, क्यू की 5 लाख है और आर की 3 लाख। टोटल कैपिटल 10 लाख है। लाइबिलिटी साइड का टोटल 14 लाख है। एसेट साइड बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख है। अब इन्वेस्टमेंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में 1,10,000 है। वैसे इसकी जो बुक वैल्यू है, जो बुक्स में लिखते हैं, वो है 1,25,000। इसके बारे में एक पॉइंट है, मैं बाद में बताती हूँ। स्टॉक हमें 2,20,000 दे रखा है। सैलरी लेटर्स 3,20,000 है। बैंक बैलेंस 1,60,000 है। अब ये पॉइंट देखिए, एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है 75,000। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब हम बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो बैलेंस शीट के अंदर हम लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में रिजर्व्स कौन कौन से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। हो सकता है कहीं पर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस भी होगा, तो अभी उसको भी देख लेते हैं, उसमें है नहीं। और एसेट साइड हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी पता है, बुक वैल्यू भी पता है। फिर अभी बताती हूँ इसके बारे में कि क्या करना है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तीन बातें मैंने बताई थी एसेट साइड। एक तो पहले गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, जिसको आप एरिंग गुडविल कहते हैं, अब ये कर रही है जो हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है। और उसके अलावा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, कुछ तो हो गई, कई बार नहीं भी लिखा होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं है। और फर्स्ट अप्रैल एडवर्टाइजमेंट 75,000 है और टोटल हमारा 14 लाख। हमारी बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2018 की। अब एडजस्टमेंट में लिखा है 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:6:5। उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:15, 6:15, 5:15 दे रखी। इट वॉज एग्रीड दैट, बट एक एक पॉइंट समझने वाला है। नंबर वन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1 लाख। बेटा वो कहता है वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम हुआ वो 1 लाख है। अब आप एक बार नजर मारो जरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है। कि हमने सोचा वर्कर को देने के लिए 60,000 तक जरूरत पड़ेगी, रिजर्व बना लिया, पर एक्चुअल क्लेम कितना 1 लाख है। मैंने आपको बताया था ना, जब पैसे थोड़े पड़ जाते हैं तो हम कहाँ से ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन से ले लेते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, वैसे लिख पाती थी आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। क्यों आया ऐसा, क्योंकि बेटे आपके पास 60,000 रुपीज है, 1 लाख पे करने हैं, तो रिवैल्यूएशन कितना देगा, 40,000। अगला है सेकेंड पॉइंट, ए मोटरसाइकिल वैल्यू डेट 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक मोटरसाइकिल थी जो कि रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, हमें रिकॉर्ड करनी है। तो आपको याद होगा अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे लिए गेन है, तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसकी क्रेडिट में जाता है बाय मोटरसाइकिल। तो एंट्री अगर आप बनाए तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बने। अगला है थर्ड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देने की जरूरत नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 है। अब हमें फायदा हो गया ना कि हमें देने की जरूरत नहीं है, फायदे रिवैल्यूएशन के कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट में आते हैं बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नंबर फोर, वैल्यू स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,90,000। टू का मतलब यहाँ तक आ गया। जैसे आप देखिए, स्टॉक 2,20,000 था पहले, अब 2,90,000 हो गया, इतना बढ़ गया 70,000 से 70,000। दोनों का डिफरेंस लेना है। बट एक बात जरूरी बताना चाहती हूँ, जब टी ओ टू वर्ड आ जाए तो डिफरेंस लेते हैं, जब बी वाई बाय आ जाए तो उतना ही लेते हैं हम रिवैल्यूएशन में। अब जैसे 2,20,000 था, अब 2,90,000 हो गया, 70,000 बढ़ गया, हमें फायदा हो गया। फायदे कहाँ आते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक। तो एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करें नंबर 5 की, प्रोविजन बनाना है हमने डेटर्स के ऊपर 5%। हमारे पास डेटर्स 3,20,000 है, उसका 5% बनाओ 16,000 बनता है। हमने एक बार नजर मारनी की बैलेंस शीट में तो नहीं प्रोविजन पड़े, नहीं पड़े। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि हमारे लिए लॉस है कि हमें डेटर्स
से कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगली है गुडविल इज टू बी वैल्यू डेट वन है, गुडविल वैल्यू डेट ये वन है। तो आपको पता है उसकी एंट्री क्या थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, वो निकालेंगे, मैं बताते किस तरह से करना है। अगला है लास्ट पॉइंट, द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइंड टू द फर्म्स ऑडिटर। कि जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन की है ना, मीन्स रिवाइज हुई है जो रेशो, तो उसका काम हमने अपने ऑडिटर को दे दिया। ऑडिटर को मतलब जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, चेक करने आते हैं अकाउंट्स किस तरह बने हुए हैं। दे वर पेड, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, पेड 20,000 फॉर देयर वर्क। उनको उनके काम के लिए हमने 20,000 रुपये दे दिए। तो पेमेंट हो गई है ना, तो आप एंट्री क्या करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप टू बैंक क्यों कर रहे हो, टू कैश ही तो कर सकते हो। और आप बैलेंस शीट के अंदर देखिए, हमारे पास बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस नहीं है। तो पेमेंट कैसे होगी, बैंक के थ्रू होगी, तो एंट्री होगी रिवेल्यूशन टू बैंक अकाउंट। अच्छा मान लो कैश बैलेंस होता, फिर हम एंट्री करते रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर मान लो दोनों होते, बैंक बैलेंस भी होता कैश बैलेंस भी होता, तो आप एंट्री करते रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद उन्होंने पूछा 5,000 रिवेल्यूशन अकाउंट, हमें रिवेल्यूशन अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्रीज भी करनी है। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। देखो तीन पार्टनर हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, डीके ग्रुप की बुक पी के ओ आर, हमने लिख दी ओल्ड रेशो 1:3:2, न्यू रेशो कितनी है 4:6:5। हम अब निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन, पी का 1/6 माइनस 4/15, 6 और 15 का एल्सियम 30 आ गया, 6 5 30 थे, 5 1 5, 15 के टेबल पे 30 जो है 2 पर आता है, 2 4 8 माइनस 3/30, तो गेन हो गया। अब अच्छे समझ नहीं पाते कि गेन कैसे हो, आप ऐसे समझ लो ना, पहले 5 रुपये मिलते थे, 8 मिलेंगे, 3 फायदा हो गया ना, तो 3 रुपीज़ उसका गेन 3/30। अब क्यों की बात करें, ओल्ड कितना उसका 3/6, न्यू कितना उसका 6/15, ऐसे 30 आ गया, 5 6 5 30 होता है, 5 6 30, 15 के टेबल पर 2 पर आता है, 2 6 12 आ गया, तो कितना आ गया 3/30 सक्री कर दिया, 15 - 12 3/30। आर की बात करें हम, आर के पास 2/6 ओल्ड रेशो है और न्यू है 5/15, ऐसे 36 30, 5 2 10 माइनस 15 के टेबल पर 32 पर आता है, 2 5 10 10 - 0 ना, उसको कोई फायदा हो ना नुकसान हो। अब फीस शेयर इज इक्वल टू 1,00,000 × 3/30, ठीक है, इतना आ जाएगा 10,000। अब बात करें हम क्यू की, क्यूज शेयर जी 1,00,000 का अगर हम करें 3/30, इसका भी आ जाएगा बेटा 10,000 पर। अब आपको ये याद रखना, गेन किसने किया है, गेन किया पी ने और सेक्रीफाइस किया क्यू ने, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग होता है। तो जब हम जर्मन बनाएंगे तो एंट्री करेंगे पीस कैपिटल का डेबिट टू क्यूज कैपिटल का, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें जनरल एंट्रीज पूछी गई है और रिवेल्यूशन अकाउंट कहा गया है। लेकिन बेटा मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो वीक स्टूडेंट के हिसाब से चलती हूँ, जो वीक स्टूडेंट हैं उनको रिवेल्यूशन अकाउंट तो चलो समझ आ जाता है, जनरल नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, पहले रिवेल्यूशन अकाउंट सिखा देती हूँ फिर जनरल। आप पहले क्या करना, जनरल के लिए जगह छोड़ देना, एक पेज पूरा लग जाएगा, फिर रिवेल्यूशन अकाउंट बना लो और रिवेल्यूशन के बेस पर आप क्या कर लो एंट्रीज। रिवेल्यूशन अकाउंट फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट आप ना अपने लिए ना यहाँ पर लिख लीजिए लॉस, पेंसिल से लिख लो, और यहाँ पर लिख लो गेन, कि जितने भी फायदे होते हैं या इनकम होती है क्रेडिट आती है, और जितने भी हमारे लॉस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट आते हैं, फेयर में नहीं लिखना आपको, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं पॉइंट पढ़ती जाती हूँ, वैसे वैसे बताती जाती हूँ कैसे रिवेल्यूशन में आएगा। सबसे पहला पॉइंट है क्लेम फॉर गवर्नमेंट कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1,00,000, कि जो वर्कर को हमें देना है उसका क्लेम 1,00,000 का एस्टिमेट हुआ है। अगर हम देखें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, हमारे पास गवर्नमेंट कंपनसेशन जो रिजर्व है वो 60,000 है और क्लेम कितना है 1,00,000 है, हमारे पास कितना कम पड़ गया 40,000। दोबारा सुनो, हमने 60,000 जो है रिजर्व करके रखे थे वर्कर को देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, पर हमारा जो क्लेम है वो कितना 1,00,000 है, तो कितना कम पड़ गया बेटा 40,000, तो वो कहाँ से ले लेंगे रिवेल्यूशन से। तो हमारी जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारे लॉस है ना, तो डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 40,000। 40,000 कहाँ से है, 1,00,000 रुपीज़ देंगे, 60,000 तो हमारे पड़े हैं रिजर्व में, तो कितने देने पड़ेंगे और 40,000 टोटल देंगे, तो 1,00,000 ही 60,000 हमने जोड़े हुए थे, तो 40,000 हमारा क्लेम बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट आता है, अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि
कि जो मोटरसाइकिल है वो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, पर अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमें तो फायदा हो गया ना कि आके हमने रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वो फाइल कार्ड के क्रेडिट में तो बाई मोटरसाइकिल अकाउंट 30,000 हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अभी कोटेड एक्सरसाइज भी हमारा फायदा तो होता है क्रेडिट में। थर्ड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस वर नॉट पेबल एनी मोर। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस पे करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है तो हमें क्या हो गया, फायदा हो गया ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हमें क्वेश्चन में 15,000 दे रखे हैं, फायदे कहाँ आते हैं, रिवॉल्यूशन की क्रेडिट में बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस 15,000। क्लियर हो गया, 15,000 क्रेडिट में क्यों आए, क्योंकि हमें देने की जरूरत नहीं है, फायदा हो गया। अगला पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,90,000। हमारा स्टॉक जो है बढ़कर 2,90,000 हो गया, 2,90,000 हो गया। पहले स्टॉक हमारा कितना था, 2,20,000, तो कितना हो गया, बढ़ गया 70,000 बढ़ गया। मुझे कैसे पता चला 70, पहले 2,20,000 था, अब 2,90,000 हो गया, तो 70,000 इंक्रीज हो गया। जब बेटा टी ओ टू वर्ड आ गया तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि हमारा कितना डिफरेंस आया। जो डिफरेंस आएगा, फायदा या नुकसान जो भी है, वो हमने रिवॉल्यूशन में डालना। तो अब मेरे को फायदा हुआ है बाय स्टॉक अकाउंट 70,000, मेरे को कैसे पता चला फायदा था, क्योंकि पहले 2,20,000 उसकी वैल्यू थी, अब 2,90,000 हो गई, तो वैल्यू कितनी बढ़ी, 70,000 बाय स्टॉक अकाउंट में 70,000 लिख दिया। अब अगला पॉइंट आता है, अब रीजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स। कि हमें डाउट है कि 5% जो है डेटर्स पैसा देंगे या नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, रीजन क्रिएट करना पड़ता है। डेटर हमारे बेटा 3,20,000 है, 3,20,000 का 5% करो, 16,000 बनता है, 16,000 बनता है, वो हमारा क्या है, लॉस है, क्योंकि हमें डाउट है कि डेटर देंगे या नहीं, हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। तो हम रिवॉल्यूशन के डेटर लॉसेस का लेते हैं यहाँ पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 16,000। ये कहाँ से आया, 3,20,000 का 5% 16,000। अब जो है हमें दे रखा है गुडविल इज टू बी वैल्यू डेट 1,00,000, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जो एंट्री होगी वो जब जनरल में होगी तो बताऊंगी आपको। पता है पी क्यू आर में हमने पी और क्यू का जो है क्या निकाला था, सेक्रीफाइसर गेन निकाला था, आर का कोई सेक्रीफाइसर गेन नहीं आया था, वो जनरल में ही इसकी एंट्री होगी। अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज असाइन टू फर्म्स ऑडिटर, दे वर पेड 20,000 फॉर देयर वर्क। कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है, मीन्स रिवाइज हुई है वैल्यूज एसेट्स लायबिलिटीज की, ये काम किसको सौंपा गया, ऑडिटर को, जो हमारी ऑडिटिंग करता, तो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ी 20,000 की। तो एंट्री क्या करेगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है, मैंने कहा ना लॉसेज और एक्सपेंसिस डेबिट में आते हैं, तो हमें पे करने पड़ेंगे। तो एंट्री मतलब हम क्या लिखेंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। अब अच्छे पूछते हैं मैम, कैश भी तो लिख सकते थे, आप क्वेश्चन में देखो तो सही, क्या कैश का बैलेंस है, बैलेंस कैश में नहीं ना, बैंक का है, तो बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट कितना, 20,000। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इधर का टोटल हमारा आ गया 1,15,000, जब इधर का टोटल मैंने किया तो मेरा आ गया 76,000। बैलेंस ही क्लियर कैसे निकलेगी, 1,15,000 में से 76,000 माइनस करके 39,000, जो कि पार्टनर में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, हमारा क्या है, प्रॉफिट है। कैसे पता चला प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड डेबिट से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल अकाउंट, यूज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। जो 39,000 डेबिट का हमारा जो आया है उसका हम 3/6 पहले का कितना है बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास 1/6 है, तो 6,500 आ जाएगा, ठीक है। और क्यों कर कैसे लेंगे 39,000 का 3/6 कितना आ जाएगा, 19,500। और अगले का कितना आ जाएगा, 39,000 का अगर हम 2/6 करते हैं तो 13,000 समझ आ गई। ये तो रफ काम का मैंने ऐसे आपको बता दिया, मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेबिट साइड सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस आते हैं, और रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिट में क्या आता बेटा, सारी की सारी इनकम और गेंस आती है, जो हमारे लॉसेज थे ये एक्सपेंसेस है डेबिट में लिखती है, जो हमारी इनकम और गेंस क्रेडिट में था। फिर अगर बैलेंस में निकाली तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम बाकी थी क्या इसमें बांध देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांध देंगे। अब हम बनाएंगे जनरल, वैसे तो मैंने बोला था जनरल पहले बनाना है और रिवॉल्यूशन बाद में बनाना है, पर मैंने आपको बोला था ना सारे बच्चे जिससे नहीं होते तो वो ईजिली समझते हैं रिवॉल्यूशन से। वैसे आपको जनरल बनाने से पहले कुछ बातें ये बताना चाहती हूँ, जैसे जो बाय में आए ना, बाय में जैसे बाय में 3 आए हैं तो आपकी एंट्री पता है एक ही बन सकती है, इसकी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, एक एंट्री बनेगी।
अगली एंट्री क्या बनेगी, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। फिर एक एंट्री और बनेगी रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, सॉरी आर है सी नहीं है आर्स कैपिटल, तो ये एंट्री बन गई। लेकिन अभी सिर्फ इतनी ही एंट्रीज नहीं है, और एंट्रीज भी है, जैसे हमारे पास वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम है उससे रिलेटेड एंट्री पड़ी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है उससे रिलेटेड एंट्री भी पड़ी है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उसकी एंट्री भी हमारे पास पड़ी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कुछ एंट्रीज अभी और भी है, जैसे गुडविल है, गुडविल की भी गेमिंग टू सेक्रीफाइजिंग है, वो भी एंट्री करनी है। और आपको मैं रिवेल्यूशन अकाउंट से एंट्रीज कैसे करें वो सिखा रही हूँ। दोबारा सुनिए, बाय मोटरसाइकिल बाय ऑप्शन बाय स्टॉक को हम जनरल एंट्री जब करेंगे तो बाय वर्ड तो नहीं आता जनरल में, मोटरसाइकिल रिवेल्यूशन टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैंक अकाउंट, एक एंट्री एक अच्छी वो एंट्री होगी। तीसरी एंट्री रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ये होगी। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसके अलावा गुडविल की करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री करेंगे, वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने या सस्पेंस लिखा है अगर उसकी एंट्री करेंगे। तो ये कुछ एंट्रीज और अभी पड़ी हैं जो हमने करनी है, तो इससे रिलेटेड नहीं है एंट्री, पर हमारी वो सारी की सारी चीजें में आए, ठीक है। बनाएंगे जर्नल, जर्नल का प्रॉब्लम सबको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अलर्ट अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, जिस डेट को रेशो रिवाइज हुई है उस डेट को हम एंट्री करेंगे, जैसे 2018 में अप्रैल मंथ में। अब सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी एंट्री कर सकते हो पहले, क्योंकि डेट तो 1 अप्रैल ही आएगी, कि जैसे रिवेल्यूशन की सारी एंट्रीज पहले कर दो या रिजर्व्स की पहले कर दो। पर वैसे ज़्यादातर मैं ये समझाती हूँ बच्चे को कि आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स भी तो पड़े, क्यों ना आप पहले उनकी एंट्रीज करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले रिवेल्यूशन की करेंगे तो गलत हो जाएगा, होगा कुछ भी गलत नहीं, बस इतना है कि आप जो है अप्रैल वन को एंट्रीज करें, कोई भी एंट्री पहले कर सकते हो। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, कोई लॉसेस पड़े हैं, उनकी एंट्रीज कर लेती हूँ। तो अब आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 2018 में वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखो 60,000 पड़े और क्लेम कितना हो गया 1 लाख है ना। तो आपने 40,000 कहाँ से लिया था, रिवेल्यूशन से लिया था ना। आप देखो रिवेल्यूशन में डेबिट में टू प्रोविजन फॉर वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम 40,000 डाला था। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या करेंगे, वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हमारे पास कितना पड़े 60,000, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट कितना 40,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम कितना 1 लाख, बीन लाइबिलिटी क्रिएटेड फॉर किसके लिए क्रिएट किया, वर्कमेन कंपनसेशन क्लेम मैंने जॉब फॉर्म में लिखा। दोबारा सुन लो, हमारा क्लेम 1 लाख है, हमारे पास 60,000 का रिजर्व पड़ा, 40,000 का सही रिवेल्यूशन से लेंगे। ये एंट्री आप अलग से भी कर सकते थे, जैसे रिवेल्यूशन टू प्रोविजन 40,000 की, तब भी ठीक होता। अब अगली बात करें, हमारे पास लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़े हैं। आपको पता ही रिजर्व कौन से रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए गए हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो बेटा, बुक वैल्यू हमें जो बुक्स में दे रखी है 1,25,000 दे रखी है, और मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखें ब्रैकेट में लिखी हुई है 1,10,000, तो कितनी डिक्रीज होगी, 15,000 की डिक्रीज होगी। तो टू इन्वेस्टमेंट का क्या 15,000 लिख दोगे, 45,000 का रिजर्व पड़ा, 15,000 अगर डिक्रीज होगी तो कितने बच गए, 30,000 बच गए ना, जो हम किसको बांट सकते हैं पार्टनर को, तो पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, कौन सी रेशो में उनकी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मीन्स कहने का कि हमारे पास IFR पड़ा है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया IFR हमारा 45,000 पड़ा है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब मार्केट में देखें और बुक वैल्यू दोनों का डिफरेंस देखो, मार्केट में वैल्यू उसकी 1,10,000 है और बुक वैल्यू 1,25,000 है। इट मीन्स अगर आप मार्केट में जाएँ तो डिस इन्वेस्ट कर गए हैं पैसा, हम इन्वेस्टमेंट को बेच के आए तो 15,000 रुपये हमें क्या मिलेगा, कम ही नहीं मिलेगा। 1,25,000 की वैल्यू वाली चीज़ 1,10,000 की बिकेगी, तो 10,000 कम हो रही है, तो सॉरी कितने की 15,000 कम हो रही है, तो अभी इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 आएगा। दोबारा सुनो, 1,25,000 रुपये अगर हम इन्वेस्टमेंट बेच के हैं 1,10,000 में, 15,000 का लॉस है, तो टू इन्वेस्टमेंट में 15,000 डाल दिए, 45,000 में से 15,000 चलेगी तो हमारे पास कितने रहेंगे 30,000, जो कि हम पार्टनर में बांटेंगे। अब क्यों बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास से बच गए हैं 1/6 करो तो 5,000 आ जाएगा, ठीक है, और 2/6 करो तो कितना आ जाएगा 2/6 सॉरी दूसरे का 3/6 है, तो कितना आ जाएगा करके देख लो आप, 3/6
तो 10,000 अवेलेबल टू बाई 6 करो, 10,000 को आप क्या रखेंगे, बीन एक्सेस आई एफ आर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड भी लिखा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है हमने उसके हिसाब से देखना है, बी आई एफ आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट कंसीडरेशन में बांट देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब बाकी मैं आपको और आगे और एंट्रीज भी करवा दूँ। अब हम अगली एंट्री करेंगे क्या कि हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो कहाँ देखा है, एसेट साइड देखा है, वो मनी लूज होता है, तो जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमारे पास बेटा क्वेश्चन पेपर 75,000 का जो है दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, तो हम उनकी रेशियो में बांट देंगे 1/6 करके, आप चाहे देख सकते हो 1/6, 3/6, 1/6 आ गया 12,500, फिर हम 3/6 करेंगे 37,500, 2/6 करेंगे 25,000। बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ का मतलब खत्म कर दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर हो गया कि वैसे भी एसेट साइड दे रखा है, एसेट साइड जो है वो डेबिट होती है, चाहे हम वर्ड यूज नहीं करते बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट, पर आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ आता है, एसेट साइड आता है, तो वो जब खत्म हो जाएगा तो वो क्या जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करेंगे जो रिवेल्यूशन की क्रेडिट में आपने क्या लिखा था, बाय मोटरसाइकिल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय स्टॉक अकाउंट, तो वो सारे हमारे क्या थे, फायदे थे ना, जो बाय में लिखे थे वो जनरल बनाते हैं, हम लिखेंगे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन अकाउंट। मोटरसाइकिल 30,000 थी, आप देख सकते हैं 15,000 मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, 70,000 का मेरा स्टॉक था, सबको अगर प्लस कर तो 15,000 आ गया। अब हमने क्या लिखा है, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब बेटा आपको मैं कुछ अगली एंट्रीज करा रही हूँ उसके बाद, ठीक है, करेंगे अगली एंट्रीज करेंगे। अब आप देखिए रिवेल्यूशन की डेबिट साइड में आपने लिखा हुआ टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंट कंपनसेशन क्लेम, टू प्रोविजन फॉर डॉट लेटर टू बैंक, है ना। तो अब मैंने प्रोविजन फॉर वर्कमेंट कंपनसेशन क्लेम की एंट्री यहाँ नहीं करनी, क्योंकि मैंने डायरेक्टर्स में कर दी थी, जब वर्कमेंट कंपनसेशन इज अ डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंट कंपनसेशन क्लेम दिया था, तो मैंने रिवेल्यूशन भी तो डेबिट कर ही दिया था, अब दोबारा रिवेल्यूशन डेबिट करने की जरूरत नहीं। आप दोबारा देख लो उनकी एंट्री, प्रोविजन फॉर सॉरी वर्कमेंट कंपनसेशन इज अकाउंट डेबिट, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमेंट कंपनसेशन क्लेम, इसमें वो दोबारा नहीं करनी। अब आप क्या करोगे, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000 है, टू बैंक अकाउंट 20,000 है, तो टोटल आ गया 36,000। तो हम क्या लिखेंगे, रिवेल्यूशन बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन किसके ऊपर क्रिएट किया डेटर्स पर एंड रिवेल्यूशन एक्सपेंसेस पे, ये पेमेंट किया ना 20,000 के हमने ऑडिटर को, रिवेल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूट करने का एक्सपेंस है वो पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रिवेल्यूशन की डेबिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पार्ट में, फर्स्ट अप्रैल को मैं एंट्री क्या करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल अकाउंट, टू फीस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको अमाउंट मैंने सिखाए थे 1/6, 3/6, 2/6, जो हमारा ये आया था 39,000 का प्रॉफिट, तो बीइंग प्रॉफिट और रिवेल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम एक लास्ट एंट्री करेंगे, हम 30 से हम क्वेश्चन की लास्ट एंट्री करेंगे, कौन सी एंट्री है, जो हमारा गुडविल की मैंने बताई थी अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को हम एंट्री करेंगे क्योंकि बी ने गेन किया था और क्यू ने क्या किया था, सेक्रीफाइस, और आर को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो आर को हम एंट्री नहीं लिखेंगे। तो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 10,000, ये अमाउंट आप उस नोट्स में देख सकते हो, 10,000 मैंने निकाल के बताए थे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा आज आपने क्वेश्चन नंबर 37 सीखा, जिसके अंदर आपने रिवेल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखा और जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो सीखा। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल जो है पहले जनरल बनाना चाहिए फिर लेजर, लेजर में यहाँ पर रिवेल्यूशन अकाउंट बनाने को कहा गया था वो बनाया। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।